Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please sit down. Thank you. You are? राम शंकर मीणा. राम शंकर जी, राइट. आपका तो नाम बहुत बेहद सुंदर है. थैंक यू मैम. सो आपका सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, राइट? जी, ट्वेल्थ में. तो क्लाउड कंप्यूटिंग सुना होगा आपने, क्या होता है? जी मैम, सुना. क्या होता है मैम? मुझे इसका ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग जो आज के जो इंटरनेट के लिए जो है मोस्टली यूज किया जाता है, तो जो डेटा जो है स्टोर रहता है, शायद उसके लिए इसका प्रयोग किया. तो हम लोग उस स्टोर से निकाल सकते हैं डेटा? यस मैम, उसमें स्टोरेज रहता है, तो उसमें से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. यस. अच्छा, तो आपने पढ़ा है ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, है ना? तो ये बताइए कि जो पहले जॉइंट फैमिली होती, संयुक्त परिवार, है ना, दादाजी या डाउन द लाइन सब साथ रहते थे, वहीं से पढ़ पढ़ के जाते थे. अब वो विघटित हो गया, है ना? अब हो गया वो न्यूक्लियर फैमिली, दो मम्मी डैडी, दो बच्चे, ऐसे हो गया, है ना? तो उसमें क्या परिवर्तन आया? न्यूक्लियर का लॉस बताइए, नुकसान. अच्छा मैम, न्यूक्लियर फैमिली होने से जो लॉस? हाँ. तो मैम, संयुक्त परिवार में एक आर्थिक जो होती थी सुरक्षा होती थी, उसका एक तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ, लॉस हो गया. हाँ. उसका नुकसान हो गया. और जैसे संयुक्त परिवार में बच्चे और बुजुर्ग और सारे परिवार के मेंबर एक साथ रहते हैं, तो बच्चों की केयर करने में परिवार को थोड़ी ये होती है. अगर कोई वर्किंग है तो उनकी देखभाल करने के लिए बुजुर्ग परिवार में होते हैं, या फिर फैमिली के दूसरे मेंबर होते हैं, वो मदद करते हैं, ऐसा रहता है. वो तो ठीक है, पर अब क्या हो गया, अब जैसे बच्चे हैं, चले गए अपना, अलग रहेंगे हम, है ना? फिर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, वाइफ की नौकरी करती है, ऑल दैट. फिर वो अपनी मम्मी को बुलाते हैं, आ जाओ थोड़े दिन के लिए. Yes. इनको कौन देखेगा, है ना? Yes. वो भी एक इशू है. अब है तो है, बाप. Yes. अकेले रहना चाहते, कोई क्या करेगा, है ना? Yes. नहीं. सो ये बताइए, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं ना, पूरा नेटवर्क है, तो अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे आपने इंटरनेट से 1,00,000 रुपया किसी को, एक्स वाई को पे कर दिया. Yes. अब वो कहता है कि मुझे तो मिला ही. Yes. जो भी था. कहता है मुझे नहीं मिला, तो बैंक कहता है कि मैं इसकी इंक्वायरी करूँ. Yes. और फिर बाद में कहता है आप ही ने तो दिया था, आप जानिए. इज इट राइट और रॉन्ग? बैंक का आंसर? बैंक का, बैंक कह रहा है आपने 1,00,000 किसी को दिया. Yes. वो कह रहा है मुझे नहीं मिला. इसमें बैंक का क्या रोल है? तो डेबिट तो बैंक से ही हुआ ना. यस मैम. हाँ, तो बैंक एज मीडिएटर काम करता है. हाँ. तो ट्रांसफर होने के लिए जो बैंक का सर्वर है उसका यूज हो रहा है, उसका सिस्टम. हाँ. यूज हो रहा है. हाँ. तो अगर थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं मिला है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सर्वर में, सिस्टम में कोई मिस्टेक है, तो उनको ये ठीक करनी होगी. ये उन्हीं की, वो ये नहीं कह सकता कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, इंटरनेट हैक है जो भी है, नहीं जानता. उनकी जिम्मेदारी बनती है. अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने 40,000 का पेमेंट कर दिया, और वो बैंक कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, आप जानिए, और वो रिसीवर जाने जो भी था. तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि भाई वो पेटीएम और जी गूगल पे एंड ऑल दैट, तो वो कई बार उसको मिलता ही नहीं है, वो जो भी नमूना था, या तो नंबर गलत था या जो भी था. उसको कैसे सॉल्व करें फिर? अब मैम, अगर नंबर गलत है तो फिर तो पेमेंट किसी और के पास जाएगा, या तो, और अगर नंबर अगर सही नहीं है, फिर तो पेमेंट होगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी. अगर किसी और के पास पेमेंट चला गया है, तो ये फिर जो मीडिएटर पार्टी है उसके पास ये रहता है, सिस्टम ऑप्शन रहता है कि वो पेमेंट वहाँ से वापस निकाला कर जा सकता है. या वो वापस ले सकता है, वापस निकाला जा सकता है. हाँ. वो बैंक की अगर कोई मिस्टेक हुई है तो हमें उसको रिपोर्ट करवाना होगा, बैंक के पास शिकायत करनी होगी. अच्छा, ये बताइए कि G20 का नाम सुन रहे ना खूब, G20 चेयरमैन फलाना ये वो. यस. तो आपको उसमें कौन से कंट्रीज हैं जो बहुत एक्टिव हैं G20? G20 में मैम अभी तो इंडिया है, इंडिया को उसकी अध्यक्षता भी मिली है. हाँ. उसके अलावा USA है, और यूरोपियन यूनियन है, और रशिया और चाइना, ये जो है ये ज़्यादा एक्टिव है मैम. ये लोग ज़्यादा एक्टिव हैं. अच्छा, ये बताइए कि जैसे चाइना है वो. Yes. हमारे ऊपर आक्रमण करता रहता है, जब मन में घुस जाता है फिर चला जाता है, जो भी झगड़ा करता है. Yes, तो ये नेगोशिएशन से सेटल नहीं हो सकता मैम, चाइना के साथ बैठे? जी मैम, बिल्कुल. मुझे लगता है इसका जो अंतिम जो निर्णय होना है, या जो समाधान होना है, वो तो नेगोशिएशन से ही होना है.
और लेकिन जो चाइना का जो आक्रामक रुख है, जो आक्रामक रणनीति वो अपनाता है कि स्लाइसिंग एंड चॉप करने की वो थोड़ा घुसता है, फिर उसके बाद कुछ एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो वो रणनीति जो है उसे बंद करनी होगी मेरे ख्याल से। पर वो तो बहुत सारे कंट्रीज जब प्रेशर डालेंगे तब करेगा वो। जी मैम। नहीं तो इधर से घुसा आता पाकिस्तान की साइड से, फिर कभी इधर तवांग की साइड से, जी फिर हंगामा करता रहता है ना वो। तो उसको चाहिए क्या है, कितना बड़ा कंट्री है, इतनी जमीन है उसके पास। जी मैम है। आधा चाइना तो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, कोल्ड डेजर्ट नहीं होता। जी मैम। वैसे टाइप का है, फिर पता नहीं क्यों घुसे चले जाते हैं। मैम हिमालय का जो रीजन है वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, हाँ। तो वो उनमें कब्जा करना चाहता है ताकि भारत पर प्रेशर पुट कर सके। और तिब्बत में किया है उसने कुछ, तिब्बत में, तिब्बत एरिया कहाँ तक घुस गया, तिब्बत में तो पूरा घुस गया वो तो। हाँ मैम, तिब्बत में जो पोंगोंग लेक है वहाँ तक वो पहुँच गया। और ट्रेन भी बना दी चाइना से, ट्रेन आती है तिब्बत डेली, बॉर्डर एरिया जो वहाँ पे भी उसने काफी डेवलपमेंट किया। एनीवे तो डायलॉग एक रास्ता है। जी मैम। रामशंकर, ये मानगढ़ धाम आपने सुना होगा, राजस्थान में रिसेंटली न्यूज में था, मानगढ़ धाम। सर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बताइए, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, बताइए। मानगढ़ धाम, सर से इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, माफी चाहूँगा सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी थे अब 2 महीने पहले वहाँ पर। जी सर ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जयपुर को पिछले दिनों या 1-1.5 साल पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिकॉग्निशन मिला, जिससे कि जयपुर का एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको बेटर रिकॉग्निशन मिलेगी। जी सर, बताएंगे क्या था? सर जो गुलाबी सिटी है वो उसका परकोटा है, पिंक सिटी, वो तो ठीक है, उसे यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा दिया गया। वेरी गुड। अच्छा, कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म ये क्या है? वन नेशन वन यूनिफॉर्म, सर जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये देश के जो कानून है शायद उनको लेकर है, लेकिन मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कुछ कहा था, कुछ आ रहा है याद? सर मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिशन कर्मयोगी बताइए, कर्मयोगी का नाम सुना होगा। जी सर, क्या है ये कर्मयोगी? जो कौशल विकास को लेकर है कर्मयोगी। कौशल विकास किन का? कौशल विकास लेबरर्स का या आपके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है? सर मुझे लगता है इसका मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है सर। अच्छा ठीक, नो कोई दिक्कत नहीं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जी सर, उसका हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। यस सर। क्योंकि 2030 तक है इसका टारगेट डेट, हम 2023 में आ गए हैं। जी सर। तो ऑलमोस्ट 7-8 साल के आसपास हो चुके हैं। जी सर। मुझे दो ऐसे गोल्स बताइए जिसमें आपको लगता है कि हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे या अचीव के आसपास पहुंच जाएंगे, जहां पर हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी, और दो ऐसे बताइए जहां पर आपको लगता है कि भाई अभी हम लोग पिछड़े हैं, हमारा प्रेजेंट स्टेटस ऐसा इंडिकेट करता है। जी सर, मुझे लगता है एक तो जो SDG 15-16 है जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इंडिया उनमें काफ़ी बेहतर कर रहा है। और जैसे कि अभी जो है जो इंडिया का जो टारगेट था कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने का, उसमें भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है, और 2045 तक जो टारगेट्स है INDC के उन्हें भी उसने बढ़ाया है। तो ये जो दोनों टारगेट्स है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये भारत की जो परंपरा संस्कृति। ठीक है, आप आगे बताइए, दो ऐसे बताइए चलिए जो आपको लगता है कि जिसमें जिनको अचीव करने में सर दिक्कतें आ सकती है। SDG 1 और SDG 2 जो मुझे लगता है अभी कि SDG 1 में तो पॉवर्टी पे हुआ है, पॉवर्टी तो बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें तो हमने बहुत बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है। सर किया है, लेकिन इंडिया की जो अभी भी रैंकिंग है वो गरीबी में और भुखमरी में वो काफ़ी अभी भी पीछे है, और मुझे लगता है हमने इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी अच्छा किया है, हमने आज़ादी के बाद से काफ़ी चीज़ें सुधारी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया की जो वास्ट पॉपुलेशन है उसको जो है गरीबी से बाहर निकालने में एक गुणवत्तापूर्ण जीवन दिलाने के लिए अभी भी हमें काफ़ी कुछ करना बाकी है, और भुखमरी जो रिमोट एरियाज है उनमें कुपोषण की समस्या काफ़ी बड़ी है अभी भी, तो मुझे लगता है इन दोनों टारगेट्स को लेकर अभी काम करना। कुपोषण के लिए कोई भारत सरकार की कोई फ्लैगशिप स्कीम है तो बताइए, कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम?
बाकी छोटे मोटे काम कार्यक्रम के चलते पोषण मिशन है वो। पोषण मिशन, गुड गुड। अच्छा मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे रामशंकर, तालिबान जो है अफगानिस्तान में, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बड़े वाइटल हैं, ये तो आप जानते हैं, यस सर, और अभी वहाँ तालिबान का रिजीम शुरू हो गया है जी, तो क्या भारत को तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे जी सर कुछ वार्तालाप शुरू करना चाहिए? आपकी क्या ये भारत के देश के इंटरेस्ट में होगा? व्हाट इज योर व्यू? सर मुझे लगता है हमें हमारे राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, और राष्ट्रीय हित हमारा है कि हमें कश्मीर में जो सुरक्षा है, जो इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान में एरिया जो अफगानिस्तान एरिया से होता है, तो उन्हें रोकने के लिए मुझे लगता है कि हमें तालिबान के साथ भी डिप्लोमेटिकली बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जब वेस्ट के देश है जो यूएसए है वो भी अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए जब तालिबान से वार्ता कर सकता है, समझौता कर सकता है, तो मुझे लगता है हमें अपने हितों को ऊपर रखते हुए ऐसी नेगोशिएशंस करने से। नहीं आप बिल्कुल ठीक है, मेरा इसमें क्या मेरी समस्या क्या है रामशंकर, की तालिबान हर वो चीज़ अभी कर रहा है जो कि हमारी राष्ट्रीय नीति या हमारी जो एक नेशनल कॉन्शियसनेस है उसके अगेंस्ट है। जैसे वीमेन एम्पावरमेंट की आप बात ले लें जी सर, वो बिल्कुल औरतों को आपने देखा वहाँ पर किस तरह का, उनसे डेमोक्रेसी की आप बात कर लें, ह्यूमन राइट्स की आप बात कर लें, जिन चीज़ों के लिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में स्टैंड करता है, आप हमारी अपने वैल्यूज़ को हम वैल्यू करते हैं, उन सब के अगेंस्ट वो काम कर रहा है जी सर। रिलीजियस टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, तो वो सब चीज़ें तालिबान अभी बिल्कुल कर रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे में जब तक ये रेजीम कुछ अपने सुधार ना कर ले, कुछ अपने हमारी कंडीशंस को, जो हमें क्यों बाकी दूसरे देश भी कह रहे हैं कि भाई आप कुछ करके दिखाइए आप, कि आप एक जिम्मेदार सरकार है, एक आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, चाहे ठीक है डेमोक्रेसी नहीं है आप लोगों का रेजीम है, बट जो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स के, वीमेन एम्पावरमेंट के जी सर, तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ इंतजार करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इन्हें हमें अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो तालिबान के साथ जो हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो शुरू कर रहे हैं वो मुझे सुरक्षा के लिहाज से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है हमारे। गुड, चलिए ठीक है, लेकिन जो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मिस्टर शंकर, यस सर, ये बताओ रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ एक ही बात है या कुछ अंतर है? अगर है अंतर तो क्या है? रूल ऑफ लॉ तो सर कानून से जो शासित है, रूल बाय मुझे लगता है सर दोनों में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ अंतर होगा जब एक जगह ऑफ है एक जगह बाई है, रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ। सर मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ तो ये है कि हमें समाज की परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाने हैं, जैसे भारत में है कि समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय के हिसाब से कानून बनाने हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम कानून बनाएं। और दूसरा ये है कि रूल बाय लॉ की कानून कुछ भी बना दिया गया है चाहे वो जैसा भी है, और लोगों को उससे शासित होना है। अच्छा, ऐसे अगर हम कहें कि हम रूल बाय लॉ के से लड़े और अल्टीमेटली हम रूल ऑफ लॉ प्राप्त कर पाए जी सर, मुझे लगता है लड़े हम रूल बाय लॉ से जी सर, मुझे रूल बाय लॉ नहीं होना चाहिए और हम प्राप्त कर पाए रूल ऑफ लॉ जो कि होना चाहिए, अब बता सकते हो क्या मतलब हुआ? सर मुझे लगता है जो मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ समाज के हिसाब से ही कानून बनाया जाए ज़रूरतों के हिसाब से, और रूल बाय लॉ की जो कानून बना दिया गया। ओके, मैं लगता है अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये बताओ प्राइवेट मेंबर बिल एक इंट्रोड्यूस किया गया विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जी सर, किसने इंट्रोड्यूस किया था अगर बता सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल कहते किसको हैं? सर जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं वो किसी भी पार्टी के मेंबर हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट, लेकिन क्या होना चाहिए, किसी भी पार्टी के मेंबर हों लेकिन क्या होना चाहिए? संसद के सदस्य होने चाहिए, संसद के, और अगर वहाँ पे किया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वहाँ के जी सर, है ना जी, यही बात है। और अच्छा, तो वो अगर कर रहे हैं और वैसे मिनिस्टर नहीं है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल हो गया। यस सर, अब ये बताओ प्राइवेट मेंबर बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी क्या संभावना रहती है कि भाई ये पास हो सकता है? सर संभावनाएं मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी ये होता है, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि 1970s के आसपास शायद मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, अभी तक अंदाजा कितने प्राइवेट मेंबर बिल पास हो गए होंगे और एक्ट बन गए होंगे? सर मुझे लगता है सिर्फ दो प्राइवेट मेंबर बिल्स थे वो पास हुए हैं, वो एक्ट बने हैं। कब हुए हैं वो पास? वो सर 1970s की जहाँ तक मुझे लग रहा है तब की बात है, उसके बाद से
कोई प्राइवेट मेंबर बिल का मुझे ध्यान नहीं है, मैं माफ चाहूँगा। अच्छा देख लेना जी सर, 14 हुए हैं और 30 साल में कोई नहीं हुआ जी सर। एनीवे कोई ऐसा खास बात नहीं। अब मुझे ये बताइए, कंप्यूटर से रिलेटेड करते हैं ना, 3G 4G 5G, मुझे केवल स्पीड में ये बता दीजिए कि 3G और 4G की स्पीड में इतने गुने का अंतर है और 4G 5G की स्पीड में इतने गुने का अंतर है। सॉरी सर मुझे इसका कोई बात नहीं। अच्छा अब ये बताइए, आप स्नेक रेस्क्यू करते हैं जी सर, तो मुझे 4 तो पॉइजनस स्नेक्स के नाम बताइए और 4 नॉन पॉइजनस स्नेक्स के नाम बताइए। सर पॉइजनस जो है, एक तो कॉमन क्रेट होता है, एक किंग कोबरा होता है, एक रेटल स्नेक, सॉरी सर रेटल नहीं, एक वो वाइपर होता है सर, रसल वाइपर है सर, और एक होता है ब्लैक मांबा। अच्छा अब दूसरी साइड में आ जाइए, नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस सर, एक तो जो रेड स्नेक होता है हमारा वो होता है, एक जो है पानी का स्नेक होता है सर, उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम। हाइड्रोफिश? नहीं सर। अच्छा चलो और बताएं। एक होता है सर ग्रीन स्नेक होता है उसका, सॉरी सर मुझे नॉन वेनमस के अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताओ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया यस सर सेशन में लास्ट यस सर, तो क्या एक्चुअली उस बिल में था और ये दोनों हाउसेस से ये बिल पास हो गया, अभी तक एक्ट भी अभी तक अमेंडमेंट हो भी गया होगा, मतलब प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी होगी है ना, तो क्या था उसके सेलेंट फीचर्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल? सॉरी सर मुझे इसका कोई बात नहीं। अच्छा ये और बताओ, ये स्काउट गाइड जम्मूरी क्या है, क्या बड़ा कुछ सुना हाल में पेपर में कुछ देख रहे थे, स्काउट गाइड जम्मूरी? सॉरी सर ये भी मैंने पढ़ा नहीं सर, मैं जरूर देखूंगा सर। कोई बात नहीं, G20 की हम बात कर रहे थे यस सर, इसका थीम क्या है जो हम 2023 में करेंगे, उसका थीम क्या है? सॉरी सर ये भी मैं देखा नहीं, मैं देखूंगा सर जरूर। क्या कोई ऐसा जगह है अपने देश में जो कि हम कह सकते हैं कि ये जगह हमारी कार्बन न्यूट्रल हो गई है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब तो समझते हैं ये सर, जिसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है और मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है ना घट रहा है उतना ही रहा है। अच्छा तो कोई ऐसी जगह है क्या इंडिया में, कभी सुनी? सर नॉर्थ ईस्ट में एक विलेज है, उसका मुझे ध्यान है, वो शायद फायंग विलेज है। कैसा विलेज है? फायंग है गांव का नाम। फायंग गांव का नाम है। अच्छा तो उसे कार्बन न्यूट्रल विलेज घोषित किया गया था, ग्रीन विलेज घोषित किया गया था। कोई ऐसा वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री भी है जो कि नॉट ओनली कार्बन न्यूट्रल कार्बन नेगेटिव है? सर मेरे ख्याल से भूटान है जो कार्बन नहीं, आपने सही कहा भूटान है जो कि कार्बन नेगेटिव है। क्या उसके फैक्टर्स रहे, बस ये लास्ट क्वेश्चन, क्या फैक्टर्स रहे कि उसने उसको कार्बन नेगेटिव बना दिया? सर भूटान की जो परंपरा और कल्चर शुरू से उन्होंने एनवायरनमेंट को ज़्यादा तवज्जो दी। नहीं वो तो ठीक है, एनवायरनमेंट कैसे तवज्जो दी कि ये चीज़ है वहाँ पे, ये चीज़ हो रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, ये ऑलरेडी है, ये हो रहा है, तो इस वजह से हुआ लाइक दैट। सर जैसे कि मोटर व्हीकल्स है तो उनकी वहाँ पर तादाद कम है, और जो इंडस्ट्रीज है जो पोल्यूशन फैलाने वाली है तो उनको भी वहाँ पर कम इस्टेब्लिश किया गया है, तो मुझे लगता है यही कारण है कि वो कार्बन न्यूट्रल है, और एक जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी फेवरेबल है इस चीज़ के लिए कि हिमालय का जो रीजन है वो ग्रीनरी। अच्छा ये फॉरेस्ट कवर कुछ आइडिया कैसा है? सॉरी सर फॉरेस्ट कवर का वहाँ पे ये क्या, ये जो एनर्जी सोर्स है मेनली क्या है? एनर्जी सोर्स सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट जो है मुझे लगता है वो मेनली है वहाँ पर, वो मेनली है, तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा जी सर, फॉरेस्ट कवर का भी फ़र्क पड़ेगा यस सर। अब ये बताइए कि उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या एनर्जी को? सर एक्सपोर्ट का तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। करते हैं, उसका फ़र्क कैसे पड़ेगा इस पे कि भाई ये कार्बन नेगेटिव हो गया? सर जैसे कार्बन क्रेडिट है उसकी ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, गुड एनफ, थैंक यू सर। राम शंकर यस सर, हिंदी साहित्य आपका स्नातक में भी था, फिर आपने ऑप्शनल भी लिया है यस सर, तो कौन सा हिस्सा इसका आपको अच्छा लगता है?
सर मेनली जो उपन्यास का है और जो कविता का हिस्सा है वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इसके इतिहास में आपकी कोई रुचि नहीं है? नहीं सर, इतिहास में भी है रुचि, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर जो रुचि है मुझे इनमें है, उपन्यास और कविता के हिस्से। तो कौन सा लेखक आपको सबसे अच्छा लगता है? सर प्रेमचंद जी के जो कहानियाँ और उपन्यास है वो तो आप लोग वैसे भी पढ़ते हो क्योंकि सिविल सर्विसेज में उसका वो पढ़ना पड़ता है आपको जी। उसके अलावा कुछ बताइए। सर अभी के देखो तो अभी जो नीलोत्पल मंडलाल जो है वो उनके उपन्यास मैंने पढ़े हैं सर। वो तो बेहद कंटेम्पररी हो गया नीलोत्पल तो। जी सर, बीच में कोई नहीं है सर? जैसे कविता वाले में मैं कहूँ तो कबीर की जो कविताएं हैं वो मुझे नहीं, मैं उपन्यास की बात कर रहा हूँ लेखकों में। आपने अज्ञेय को पढ़ा है? अज्ञेय के सॉरी सर, मैंने उपन्यास नहीं पढ़े उनके सर, कविताएं। शेखर एक जीवनी उनका बहुत फेमस उपन्यास है, वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर पढ़ा नहीं है, सुना है, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं उसे पढ़ूंगा अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी। अच्छा, कबीर के बारे में आप कह रहे हैं, कबीर आपको पसंद है? जी सर। कबीर का दर्शन क्या है? सर कबीर का दर्शन मेनली जो समानता वाला है समाज में वैसा है उनका, उस एक भक्त भी है तो एक समाज सुधारक की भूमिका में भी उनको देखा जा सकता है, क्योंकि वो समाज की जो रूढ़ियाँ हैं आडंबर है उनके प्रति विद्रोह भी करते हैं और नई चीज़ें इस्टाब्लिश करने के लिए उनकी। ये तो बड़ी सामान्य बातें हैं जी, कुछ ऐसा विशेष जो कबीर ने के बारे में कहा जा सकता है किसी अन्य के बारे में नहीं? सर ऐसा है कि जो बहुत गहरी बात है उनको बहुत सरल शब्दों में कहने की जो ताकत है वो कबीर में है, और एक गुरु का महत्व जो है उन्होंने काफ़ी उसको माना है। अच्छा, कबीर की उलटवासियों के बारे में आप जानते हैं? सॉरी सर, उलटवासियाँ? यस सर, यस सर, उलटवासियाँ। क्या महत्व है उसका? सर वो मेनली जो रहस्यात्मक है, जो व्यक्ति के अंदरूनी रहस्यात्मक उनको बताने के लिए उनका प्रयोग किया गया है, क्योंकि अंदर के मैन की मनुष्य के जो अंतर्भूतियाँ अनुभूतियाँ हैं उनको व्यक्त कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको सीधे सीधे कहा नहीं जा सकता, इसलिए उलटवासियों का प्रयोग किया गया। तो ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कबीर को हम रहस्यवाद का जनक मान सकते हैं? सर रहस्यवाद तो उसके पहले से था। हाँ। रहस्यवाद जैसे सिद्धनाथ साहित्य है उसमें भी रहस्यवाद दिखता है। हाँ। तो रहस्यवाद मुझे लगता है पहले से है हिंदी साहित्य। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे क्रीमी लेयर है OBC के लिए है? यस सर। और ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो ST कैटेगरी है सर, उसने ज़्यादातर ST की जितनी वैकेंसीज होती हैं जितना उनका कोटा होता है वो सब ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो मीना समुदाय कैप्चर कर लेता है। जी सर। तो आपको क्या नहीं लगता कि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से सर क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए ST में भी? जी सर, मुझे लगता है बिल्कुल कि क्रीमी लेयर अब वो समय आ गया है कि ST SC में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए सर। मुझे लगता है ये बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आपको तो नुकसान हो जाएगा? नहीं सर, वो कोई बात नुकसान वाली नहीं है कि जो समुदाय जिनको आवश्यकता है, जो एक बार उसका फ़ायदा ले चुके हैं उनको मिल चुका है, वो नीचे से ऊपर आ चुके हैं समाज के हासे से, तो फिर अब उनकी जगह पर जो दूसरे हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, अभी सर पूछ रहे थे चाइना के बारे में। जी सर, एक स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा कि शांति के लिए यस सर प्रतिहिंसा का भय आवश्यक है। यस सर। चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में आप इससे सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर हमारी जो फोर्स है वो हमारा बल अगर कम दिखता है तो सामने वाले के आक्रामक होने का जो है वो ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हमें जो है हमारा बल भी दिखाना होगा और साथ में शांति के साथ वार्ता भी करनी होगी। जो ये दोनों है, इन दोनों के साथ ही मुझे लगता है हम जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सर थैंक यू। आपकी एक रुचि है स्नेक रेस्क्यू? यस सर। तीन बातें मुझे बताइए। यस सर। क्यों स्नेक रेस्क्यू की ज़रूरत, कहाँ से और कैसे? सर स्नेक रेस्क्यू की मुझे लगता है कि जब बारिश के दिनों में पानी भर जाता है तो जो स्नेक्स होते हैं वो निकलकर जो आवास है लोगों के घरों में आ जाते हैं, तो वहाँ से उनको निकालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो सांप है उनको भी नुकसान ना हो। ये तो प्राकृतिक है, बारिश हुई, बारिश तो भाई सब जगह होती है। जी सर। तो ये स्नेक रेस्क्यू की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी, अब क्यों पड़ने लगी? सर जो आवासीय स्थल है वहाँ पर मेनली सर इसका ये है कि जो
ह्यूमंस का जैसे जैसे वाइल्ड्स की तरफ या एक्सपेंशन हो रहा है जैसे भी है, तो उनके लिए जो आवास है जंगली जीव जंतु वो कम हो रहा है, तो वो आवासीय स्थलों में आ जाते हैं स्नेक्स, इसलिए उनको घरों कैसे से बचा रेस्क्यू किया जाता है सर? उनको जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मदद से पकड़कर, और तो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं तो कहाँ से आते हैं ये सुरक्षित? मैं सर वो मार्केट से खरीदे हैं, मैं मेरे पापा के साथ जाता हूँ एक्चुअली, तो मैंने उनसे सीखा है, तो इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट से खरीद कर फिर उनका प्रयोग कर कर इनको। इकोसिस्टम में स्नेक्स का क्या महत्व है? इकोसिस्टम में सर जो रेप्टाइल्स है ये उसमें आते हैं, तो एक एक तो फूड चेन में है, इको सिस्टम फूड चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं स्नेक्स। और दूसरा जैसे कि किसानों के लिए मैं बात करूँ तो खेतों में जो चूहे होते हैं उनकी तादाद बढ़ने से फसलों को काफ़ी नुकसान होता है सर, तो वहाँ पर भी इनका ये हो जाता है कि ये चूहे खाकर किसानों की भी मदद करते हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम का ही हिस्सा मैं समझता हूँ सर। और कोटा एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन गया है जी, शिक्षा में तो कोई पृष्ठभूमि कोटा की थी नहीं पहले, कैसे हुआ है कि आज ये इतने प्रमुख केंद्र के तौर पर उभर गया है? सर ये धीरे धीरे एक लंबी प्रोसेस रही है वैसे सर। नहीं बट इसमें मुख्य तत्व क्या आपको नज़र आते हैं? सर एक तो कोटा की जो फेवरेबल लोकेशन है वो मैं बताऊंगा। फेवरेबल किस तरह से? सर जो लोकेशन है ये दिल्ली मुंबई जो रेलवे ट्रैक है उसके सेंट्रल लोकेशन पे पड़ता है, और ये इंडिया में भी एक तरह के से सेंट्रल लोकेशन है, तो जो सभी एरियाज के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और सर जो चंबल है तो चंबल की वजह से पानी की व्यवस्था अच्छी है कोटा में, वो भी एक मैं इसको थोड़ा महत्व दूंगा। बाकी जो स्थानीय लोगों को क्या लाभ हुआ है? स्थानीय लोगों को सर स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको इससे काफ़ी बूस्ट मिला है सर, जो स्थानीय लोग हैं उनको नए भवन उन्होंने बनाए हैं, हॉस्टल्स बनाए हैं, तो जो वो रेंट पर देते हैं तो उससे उनको आय जनरेट होती है, या फिर कुछ फूड स्टॉल्स लगाना, या फिर कोई दुकान चल रही है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से उनकी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला है। या फिर जैसे रिक्शा वाले हो गए, टैक्सी वाले, उन सबको भी इससे फ़ायदा मिला। अब लास्ट क्वेश्चन, अब ग्लोबल वार्मिंग की बात आज भी आपने की है जी सर, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में इतनी ठंड है जी सर, और अक्सर आता है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग ठंड है, तापमान बढ़ गया, तो ग्लोबल वार्मिंग कहाँ है, क्या इसका अर्थ है, कैसे आप मुझे समझाइएगा? मुझे तो ठंड लग रही है, इतने कपड़े पहन के हम लोग बैठे हुए हैं। सर जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, लेकिन सर इसका इम्पेक्ट इतना नहीं है कि ये दिल्ली की ठंड को अचानक से कम कर दी, लेकिन ये जो है इसका जो पैटर्न है, जो क्लाइमेट पैटर्न है उसको इसने नेगेटिवली इम्पेक्ट किया है, तो या तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कुछ क्षेत्रों में, या फिर भूगोल के टर्मिनोलॉजी के दृष्टिकोण से क्या विभेद यहाँ किया जा सकता है, कोई विभेद आप सोच सकते हैं ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में? अभी जो सवाल मैंने आपका उठाया है उसमें क्या टर्मिनोलॉजी अप्लाई करेगी, क्या टर्मिनोलॉजी लागू होगी दिल्ली के लिए सर? नहीं नहीं, जो क्वेश्चन मेरा है कि अभी यहाँ इतनी ठंड है और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग है जी सर, कि दोनों में अंतर क्या है और संबंध क्या है? सर मुझे लगता है कि दूसरी तरफ जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट और वेदर का विभेद कीजिए। तो वेदर तो जो है वो एक स्थान विशेष की होती है, एक प्लेस में जो गर्मी है ये क्लाइमेट का भाग है कि वेदर का भाग है? सर ये तो अभी वेदर का है, और क्लाइमेट तो लंबे टाइम में होती है सर, काफ़ी 35 साल या 30 साल के हिसाब से देखा जाता है कि उस क्षेत्र की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ बारिश कैसी होती है, साल में औसतन तापमान कितना रहता है, इन सब चीज़ों को देखकर क्लाइमेट को एग्रीगेट निकाला जाता है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। गुड। थैंक यू।